नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार। सिरोही संवाददाता अनिल सिंह तोमर की स्पेशल रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक समाज सेवी की कहानी और सिरोही का लवारिस का वारिस। लाशों का हमसफर अभी लगभग 6 सालों में 500 के करीब 490 लाशों को गंतव्य स्थान पर निःशुल्क पहुँचाया। सेवा की प्रेरणा अपने पिता स्वर्गीय हरजी राम जी प्रजापत सेवा कार्य हित प्रेरित कर कहना कि जितना अपने बस में हो जरूरतमंद एवं पीड़ित की सेवा करो, बाकी भगवान पर छोड़ दें। यह कहानी ऐसे समाज सेवी की है जो आकस्मिक रूप से रात हो या दिन हो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वह मददगार साबित हो रहा है। किसी की भी मृत्यु के पश्चात शव लाने ले जाने की बात हो या हादसों में अपनी जान गंवा चुके लोगों के शव को आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने का काम हो तो सबसे पहले इसी का नाम जुबा पर आता है, वह प्रकाश प्रजापति। चाहे वह प्राकृतिक रूप से हो या दुर्घटना में मृत्यु हो या कितनी भी पुरानी लाश हो, मृत्यु के पश्चात सड़क गली बदबूदार लाशों को पहुंचाना हो या तो सबसे पहले प्रकाश प्रजापति की ही आगे बढ़ते हैं। यह कहानी प्रकाश प्रजापति की है। वे सौवाहिनी का संचालन करने वाले प्रकाश खुद ही इसके साथ चालक हैं, बिना कोई ड्राइवर रखे खुद ही इसके चालक बन जाते हैं। ये कार्य जो डेड बॉडी छोड़ने का कार्य है ये करीबन 6 साल हो गए हैं, 6 सालों से ये किया जा रहा है। और ये कार्य करने के लिए पहले मुझे ऐसा लगा कि अपने छोटे मोटे जो हॉस्पिटल के अंदर है सोशल वर्क तो लोगों के साथ में मिलकर कर ही रहे थे या हमारी संस्था अपने लॉयंस क्लब के माध्यम से करते आए हैं। 6 साल पहले सिरोही के अंदर ही किसी भिखारी की फुटपाथ पे डेथ हुई थी। उस समय मैंने उस डेथ बॉडी को ले जाने के लिए नगर पालिका में कॉल किया था, तो वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली आई थी और उसके माध्यम से उसके बहुत अच्छे सुविधान रहता है उनका हमेशा लावारिस सड़क गली लाशें दुर्घटना में सब विशेष हालात में लाशें कहते ही तुरंत मौके पर पहुँचते अपना मन समय निकालकर और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और उनका निजी खर्चे से उनका दाह संस्कार में शुल्क देते हैं।